गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। धन्यवाद। उसकी औकात से ज्यादा उससे फीस मांगी जाती है। पहला भ्रष्टाचार शिक्षा में मिटा दें यदि मोदी जी, और दूसरा भ्रष्टाचार दवाइयों और इलाज का मिटा दें, ये देश विकास में सबसे आगे चला जाएगा। आज दो चीज आदमी को खा रही है, एक शिक्षा महंगी हो रही है और एक इलाज महंगा हो रहा है, बीमारी महंगी हो रही है। पूरी जीवन की पूंजी लगा देता है आदमी तो भी डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाता है। ध्यान रखिए, इतने महंगे डॉक्टर, इतना महंगा मेडिकल, तड़प रहा है आदमी। कई लोग बिना इलाज के तड़प तड़प के, बस दो काम कर दें फिर मैं मानूंगा कि सबका विकास सबका साथ है। दो चीजों से भारत में बहुत पिछड़ापन है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और इलाज बहुत महंगा हो गया है। एक आदमी के पहले तो इस देश में दहेज को लेकर लोग दुखी रहते थे, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान अपनी जिंदगी को लेकर दुखी है। मेरे भाई नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, हर बच्चे के माता पिता के पास इतनी दौलत नहीं होती है कि एक बच्चे को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आज हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनता है करोड़ों रुपए लगते हैं। एक डॉक्टर से बोलो इतनी महंगी फीस क्यों लेता है, तो वो भी कहता है मैंने पढ़ाई लोन लेकर के की है, पैसा कहां से निकालूंगा, मुझे भी तो लोन चुकाना है ना, मुझे भी तो भरपाई करना है ना। एक बच्चा कितना भी होशियार हो पैसा इतना लगता है, बच्चा कैसे अपने देश का विकास होगा। मैं तो कहता हूं शिक्षा इतनी सस्ती होना चाहिए, इतनी सस्ती होना चाहिए, इतनी सस्ती होना चाहिए कि किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी से भी कोई डॉक्टर बन के निकल जाए, कोई इंजीनियर बन के निकल जाए, कोई साइंटिस्ट बन के निकल जाए, कोई सीए बन जाए, कोई एमबीए बन जाए, तभी विकास होगा। वरना विकास होने वाला इलाज के लिए पैसे नहीं है आदमी के पास। मान्यवर आपसे निवेदन है, इतनी कमीशन खोरी, इतना भ्रष्टाचार, इतनी रिश्वत खोरी इस देश में पनप रही है, और मुझे विश्वास है मोदी जी से आशाएं हैं इस देश को। 60-70 साल में तो ये दशा हो गई हमारे देश की। मान्यवर सोचना, वो मजदूर दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता था, बीमारी आ गई उसको, खाने को जिसको रोटी नहीं, विचार करना है, दो वक्त की रोटी नहीं, उसे योगा सिखाया जा रहा है, वो जी नहीं पा रहा है, वो क्या योगा करेगा। मैं तो कहता हूं कि दुनिया का योग अच्छा है, योग दिवस मना रहा है दुनिया, योग योगा करना चाहिए, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं योग से भी ज्यादा जरूरी सहयोग हुआ करता है। ध्यान रखना, यदि सहयोग है तो योग है, और योग नहीं तो विचार करना है आपको। वो मजदूर बीमार पड़ गया, एक दिन उस मजदूर की बीमारी में इलाज नहीं करा पाया, मृत्यु हो गई उसकी, पत्नी लाचार, दो बच्चे उसके, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे। जैसे ही मृत्यु हुई तो भारत के रीति रिवाज के अनुसार 3 दिन तक भोजन पड़ोस से आया उसके घर में, चौथे दिन कोई नहीं गया भोजन देने। तसल्ली दे रही है मां बच्चों को, मां भूख लगी है, तसल्ली देती है बेटा कोई फरिश्ता आएगा भोजन देगा। दुख में डूबी हुई, शोक में डूबी हुई वह पत्नी, उसने सोचा कि अब शोक से उबरना चाहिए मुझे, जो पति गए वह तो लौट करके वापिस नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों के खातिर तो मुझे जीना पड़ेगा। उसने थोड़ी मेहनत की, वह मजदूरी करने जाने लगी, चौथे दिन पांचवें दिन वह मजदूरी को जाती है, दो वक्त की रोटी मुश्किल से लाती है,
मान्यवर, एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार कि 7 दिन तक वो एक काम पे नहीं जा सकी। गोद में लेके बच्चे को बैठी रही, इलाज नहीं करा सके। रोज बच्चे को देखती, बच्चे की हालत गंभीर होते जा रही है। मालूम है उसकी छोटी सी बेटी ने मां के कान में कहा, मम्मी, बोले बोल बेटा, बोले एक बात पूछूं, बोले पूछ, ये मुन्ना कब मरेगा? मां को लगा जैसे गरम गरम तेल किसी ने कान में डाल दिया हो। उसने कहा, तू पागल हो गई है? अरे तू भगवान से प्रार्थना कर ये जीवित रहे, और तू कह रही है कि मुन्ना कब मरेगा? बोले बताओ मम्मी, आंखों में आंसू, कि मुन्ना कब मरेगा? मां ने कहा, बेटा ये तेरा भाई है, ऐसा नहीं बोलते मुन्ना कब मरेगा। ऐसा क्यों बोल रही है तू? तुझे किसने सिखाया है? मालूम है? बोले मां, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि मुन्ना कब मरेगा। मां ने एक चाटा मारा बच्ची के गाल में। ऐसा बोलती है भाई के लिए कि मुन्ना कब मरेगा? वैसे ही तो गरीबी है और इलाज को पैसा नहीं है, और तू बद्दुआएं दे रही मुन्ना कब मरेगा। उस बच्ची ने रोते रोते कहा, मां, जिस दिन ये मर जाएगा ना, 3 दिन पड़ोस से भोजन आएगा, हमें खाने के लिए रोटियां तो मिलेंगी, 3 दिन तो मेरी भूख मिटेगी, 7 दिन से मैं भूखी हूं। तुम कहती हो फरिश्ता आएगा, फरिश्ता नहीं आएगा मां, कोई फरिश्ता नहीं इस धरती पर। जब ये मुन्ना जाएगा तब हमें रोटियां खाने को। मां ने गले से लगा लिया बच्ची को, जार जार आंसू बहाए, रोने लगी। वह मां बच्ची को लिपटा कर, मेरी बेटी ध्यान रखना, ये केवल कहानियां नहीं है, आज भी हमारे देश में 18,000 से ऊपर एक प्रदेश में बंधुआ मजदूर काम किया करते हैं। मान्यवर सोचिए आप देश के हालात क्या है। बच्ची कहती है कि मुन्ना मरे तो भोजन मिले खाने को, खाना नहीं मिल रहा लोगों को। मान्यवर सोचना है आपको, कुछ करिए अपने जीवन में। मंदिरों में दान पात्र पर पैसा डालते हो, डालो, मेरा कोई विरोध नहीं है, एक पात्र हृदय में भी रखो कि कहीं भूखा आदमी है उसकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाइए। मान्यवर इस दुनिया में कोई कहता है हम जयपुर रहते हैं, कोई कहता है हम सूरत रहते हैं, कोई कहता है हम दिल्ली रहते हैं, कोई कहता है हम बंबई रहते हैं, हमारा बेटा विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, जापान में रहता है। मुझ पुलक सागर से यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा पूरी दुनिया में रहने लायक कोई जगह नहीं है, रहने लायक केवल 2 स्थान है, वहां रहने का प्रयास करो। न सूरत रहने लायक, न बंबई रहने लायक, न दिल्ली रहने लायक। रहने लायक तो 2 ही स्थान इस धरती पर हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो, इससे अच्छा रहने लायक स्थान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। कितने भी अच्छे अच्छे महंगे फ्लैट बना लो, अरे दिलों में रहना सीखो, दुआओं में रहना सीखो मेरे भाई। जरूरी नहीं कि हर वक्त ओंठों पे खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त ओंठों पे खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी किसी इबादत से कम नहीं जब हमारी जिंदगी किसी के काम आए। ध्यान रखना, वो भी तो एक इबादत है ना, वो भी तो एक पूजा है ना। मान्यवर सोचना है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे लिख नहीं पा रहे। जब मैंने इस पीड़ा को, इस दृश्य को देखा, आपके पड़ोस में बन रहा है दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ, जिसका सृजन हो रहा है, वह निर्माणाधीन है, 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में वह पूर्ण हो जाएगा। मालूम है अभी मंदिर का काम चल रहा, मंदिर बना नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज पहले मंदिर बनना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मंदिर सबसे आखिरी में बनना चाहिए, सारी दुनिया में मंदिर बनाने की होड़ लगी है। मैंने कहा, नहीं, मंदिर बाद में बनेगा, पहले
पत्थर की मूर्तियां बाद में आएंगी, पहले जीता जागता भगवान वहां आना चाहिए, इंसान आना चाहिए। मैंने वहां के ट्रस्टियों को, यहां बैठे हुए हैं सभी ट्रस्टीगण, मैंने एक ही आदेश किया कि मंदिर लेट बनेगा चलेगा। वहां पे वो बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिनके पास आर्थिक अभाव है, सबसे पहले वहां बच्चों को शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना चाहिए। आज वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्रावास चल रहा है, बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, महाराज फोकट में क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ पैसे लो इनसे, ये दुरुपयोग करेंगे। मैंने कहा, सलाह देने वाले तो बहुत मिलते हैं दुनिया में, मैं उनसे क्या पैसा लूं। एक बच्चे का पिता चाय बेचता है रेलवे स्टेशन पर, उनसे पैसा लूं मैं पढ़ाने का, जो मुश्किल से दिन भर में 24-30 दिन में महीने भर में 10-12 हजार रुपए कमाता है, मैं उनसे पैसा मांगूंगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, मैं उनसे पैसा मांगू जो किसी कपड़े की दुकान पे नौकरी करता है बाप, उनसे मैं कहूं कि बच्चों को हर महीने पैसा दो, नहीं। मैंने सब ट्रस्टियों को कहा कि इन बच्चों को पढ़ाएंगे, लोगों ने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, 10-15 हजार 20 हजार फीस है साल की। मैंने कहा नहीं, गरीब का बच्चा भी मैंने बुलाया है, मैं गुजरात के सबसे टॉप के स्कूल में इनको पढ़ाऊंगा, ये शिक्षा दूंगा। वो गरीब है इसका मतलब नहीं कि वो घटिया स्कूल में अपना अध्ययन करे पढ़ाई करे, उसके भी अरमान है, बच्चे की क्या गलती है। और आज मैंने वहां लक्ष्मी विद्यापीठ बापी का एक स्कूल है सरीगाम में, जहां एक बच्चे पर साल भर में 1-1.5 लाख रुपए खर्च हमारी संस्था किया करती है, हमारा ट्रस्ट किया करता है, उन्हें सुविधाएं दिया करता है, VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? गरीब है तो क्या वो जीना नहीं चाहता है? क्या वो नहीं चाहता है कि मेरी अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो? क्या वो बच्चा नहीं चाहता है मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले, सर उठा करके जीऊं? एक गरीब बच्चे के भी अरमान होते हैं। मुझे कहा गया, मैंने कहा नहीं, ये निर्धन परिवार के बच्चे हैं और मैं अपने जीवन में निर्धनों को भी अपने से जोड़ता हूं और धनवानों को भी अपने से जोड़ता हूं, ताकि धनवानों का धन ये बनियों का धन कोई नहीं निकाल सकता। ध्यान रखना, 3 लोग ही निकालते हैं, या तो डॉक्टर, ध्यान रखना वही निकालेगा, या दामान कमर साहब, और या फिर लास्ट में मुनि महाराज। ध्यान रखना, 3 के अलावा चौथी की हिम्मत नहीं इनकी तिजोरी में हाथ डाल दे। ध्यान रखना मान्यवर, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा धन डॉक्टरों के पास कभी ना जाए, तुम स्वस्थ रहो, बीमार ना रहो, आनंद में जियो। क्यों डॉक्टरों को पैसा देना? डॉक्टर को आपका पैसा ना जाए, दामान को दे के भी क्या कर लोगे? एक तो दामान आता है, खाता है, तिलक और करवाता है, और जाते समय 1100 रुपए और लेकर आएगा, खाएगा, विदाई लेकर जाएगा, और जाके बुराई भी करेगा, ससुराल में कोई सम्मान नहीं हुआ। क्या मतलब है इनको खिलाने से मेरे भाई? ध्यान रखिए, एक संत तुम्हारे घर आता है ना आहार के लिए, आप जो देते हो चुपचाप खाता है, मुस्कुरा के खाता है, आनंद के साथ खाता है, कमंडल में भर के ले जाता है क्या? और कमर साहब खाएंगे भी, सेवा भी कराएंगे, और जाते समय तिलक भी खिंचवाएंगे, और कुछ ना कुछ पैसा लेकर। ध्यान रखना, कमर साहब को दोगे कुछ नहीं होगा, महाराज साहब को दो तुम्हारा जीवन का आनंद बदल जाएगा, जीवन तुम्हारा सार्थक। संत क्या करेगा? एक बात बताओ, आज एक कमेंट्स मिलता है, मुझे ही नहीं देश के सब साधुओं को एक ताना मिलता है, महाराज लोग पैसा मांगते हैं, महाराज लोग तीर्थ बनाते हैं, महाराज हजारों रुपए चाहिए, साधु क्यों बने हो? साधुओं का ये काम है क्या? मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, सुनते हैं, जो एक गिलास रोटी मिलती है ना हमको, इतनी आसान नहीं है, एक गिलास में 1000-1000 ताने सुना करते हैं, तब जाकर के आहार ग्रहण हुआ करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने भव्य तीर्थों का जीर्णोद्धार किया, सोशल वर्क में भी आ गए,
हजारों बालिकाओं को प्रतिभा स्थली में शिक्षाएं प्रदान करके उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बुरा किया उनने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुधा सागर जी महाराज, जीर्ण शीर्ण तीर्थों का उद्धार किया, हजारों को वह अपने आशीर्वाद से, अपनी प्रेरणा से जीवन समाज का निर्माण कर रहे, क्या बुरा कर रहे हैं वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बुराई उनके जीवन में? फिर भी समाज बुराइयां करने से बाज नहीं आता है। आचार्य पुष्पचंद सागर जी महाराज, जिन्होंने पुष्पगिरी तीर्थ पर 1000 बच्चे जहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या बुरा किया इन संतों ने अपने जीवन में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तीर्थों को मजबूती दी है, हमारी समाज को ताकत दी है। ये संत ना होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला दुनिया में दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, आज समाज में संत हैं तो समाज मजबूत है। आपसे मेरा निवेदन है, ज्ञानमती माता जी ने इतना निर्माण कराया, जिस मांगी तुंगी तीर्थ को दुनिया नहीं जानती थी, भारत में चर्चित हो गया मांगी तुंगी तीर्थ। ध्यान रखना, माता जी ने क्या बुरा किया? हस्तिनापुर का निर्माण किया, क्या बुरा किया? संत यदि निर्माण कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? आपसे मैं पूछता हूं, वो अपने लिए क्या कर रहा है? माता जी चली गई, एक दिन समाधि हो जाएगी, ये सारे तीर्थ छाती पे मान के ले जाएगी क्या? ले जाएगी देवलोक में? आचार्य विद्या सागर जी महाराज, पुष्पचंद सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, क्या ये अपने निर्माण छाती पे बांध के ले जाएंगे? किसको देंगे? समाज का, समाज को लौटा दे। हमारे तथा कथित विद्वान पंडित वर्ग आए दिन अपने पत्रिकाओं को रंगते रहते हैं फालतू की बातों में, घर घर में दुष्चरित्र, घर घर में वह दुर्विचार फैलाते रहते हैं। सावधान होइए ऐसे लोगों से। इन्होंने क्या किया जरा पूछना? एक विद्वान को पैसा दो, क्या करता है वो? वो पैसा लेकर भोगों में लगाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सूरत समाज से, यदि आप मेरी चौकी पे 1,00,000 रुपए रख के चले जाएं, बताना मैं उसका अपने लिए क्या करूंगा? 2 रुपए के चने भी लेके नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना, आहार भी मुझे तुम ही दोगे। सोचिए क्या करूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा उन पैसे से? गाड़ी में बैठ के घूमूंगा? नहीं घूमूंगा। वो 1,00,000 रुपए एक दिगंबर मुनि क्या करेगा अपने जीवन में? मैं आपसे पूछ, व्यक्तिगत क्या करेगा अपने लिए? आहार तुम दोगे, धर्मशाला तुम दोगे? विचार करिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।